नमस्कार, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन न्यूज। रोहतास जिले के सासाराम के उच्च विद्यालय चौखंडी पथ में आज प्रथम रोहतास जिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन लायंस क्लब के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर एसपी वर्मा एवं समाज सेवी सोनू पांडे ने संयुक्त रूप से किया। एसपी वर्मा ने कहा कि रोहतास जिले में खेल के प्रति युवाओं में रुचि बढ़ी है, जिसका परिणाम यह है कि यहां के खिलाड़ी देश के अन्य राज्यों में अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस जरूरत है तो एक मौका देने की। अगर खिलाड़ियों को मौका मिले तो वे जिले के साथ साथ राज्य का भी नाम रोशन कर सकते हैं। समाज सेवी सोनू पांडे ने बताया कि रोहतास जिले में इस प्रकार के खेल का आयोजन होते रहना चाहिए। इसकी कमी नहीं है, जरूरत आज है कि उनको ये मौका दिया जाए और हमें बहुत खुशी है कि संघ ने आज आपको ये मौका दिया है कि भारोत्तोलन का प्रयास आप करें और इसके तकनीकी चीज़ों को जानें। जैसा कि अभी उद्घोषक महोदय बता रहे थे कि इसमें काफ़ी कुछ तकनीकियाँ हैं, जिसको खुशी है हमें कि आप लोग यहाँ काफ़ी तादाद में यहाँ आए हैं। इस संघ ने काफ़ी प्रयास किया है और रोहतास जिले का आप नाम ऊपर रोशन करेंगे, क्योंकि जैसा देखा गया कि हम लोगों ने कभी कभी नई नई चीज़ों को रोहतास जिले में इंट्रोड्यूस किया ले आए तो ऐसा लगता था कि इसमें कोई भी प्रगति नहीं होगी, ये बच्चे नव चुकी हैं। जैसे कि हाल ही में कुछ दिन वर्ष पूर्व बास्केटबॉल का प्रयास किया गया और यहाँ से नेशनल स्तर के भी खिलाड़ी निकले, तो अब आपको मौका मिल रहा है यहाँ तो आप नेशनल स्तर के खिलाड़ी बनेंगे और अपने इसी प्रयास से आखिरी बात न करेंगे बल्कि और भी कोशिश करेंगे। जहाँ तक कोशिश करते जाएंगे तो अच्छा प्रयास होगा। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और जो भाग लेने वाले हैं, जो जीतेंगे या हारेंगे, अभी अफसोस नहीं करना है, मेहनत करते जाना है और आगे रोहतास जिले का और बिहार का नाम प्रांत का आप ऊपर करें, ऐसी हमारी उम्मीद है। हम इन्हीं शब्दों के साथ आपको पूरा आप सभी को, सभी आयोजकों को, सभी इसके प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई। अभी आपको सर वेटलिफ्टिंग का अध्यक्ष चुना गया है, आपका सर क्या विजन रहेगा रोहतास जिला में इस खेल को लेकर? युवाओं को आगे बढ़ाना ही मेरा 12-15 साल से लक्ष्य है जी। और इस जो इन लोगों का जो कमेटी है खेल का, जो भी है, इन लोगों के साथ जितना मेरा सहयोग रहेगा हम इन लोगों के साथ रहेंगे। सर बाकी बहुत सारे अन्य खेल हैं, इसमें वेट लिफ्टिंग को ही ऐसा बढ़ावा क्यों? हमें लग रहा है कि ये जिले में पहली बार हो रहा है जी और आगे चल के रोहतास जिले का नाम रोशन हो सके जी, इसलिए इन लोगों द्वारा ये आयोजन किया गया है। सर आपने अभी बताया कि ये जो आयोजन है वो पहली बार जिले में हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रोहतास जिले को आगे बढ़ाना क्षेत्र में। लिफ्टिंग जो है अन्य खेलों की अपेक्षा इसमें मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं प्लेयर्स को आगे जाने में? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक इंडिविजुअल गेम है जी, और आप जब आगे बढ़ना चाहते हो तो आप इंडिविजुअल गेम से ही आगे बढ़ सकते हैं जी, क्योंकि आपको इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जी, कि मैं ही अपना कमी और मैं ही अपना बेस्ट जी खुद समझ सकता हूं और खुद देके आगे बढ़ सकता हूं। तो इसलिए हमने इसको वेटलिफ्टिंग को यहां लिया और चूंकि हमारे यहां पहलवानों की कमी नहीं है जी, तो थोड़ा सा पहलवानों में स्किल आ जाए जी तो ये खेल को आगे बढ़ाया जा सकता है और जिले को गौरवान्वित किया जा सकता है। मन में विचार कहां से आया कि चूंकि मैं खुद एक खिलाड़ी होते रहना चाहिए, चूंकि मैं खुद एक खिलाड़ी हूं और खेल उपेक्षाओं को हमने बहुत झेला है, तो हमारे अगले पीढ़ी को मतलब नए जनरेशन को इन सुविधाओं का और इन खेलों का कोई कमी महसूस ना हो और ये सभी आगे बढ़ सके, इसीलिए हमने इसके लिए अथक प्रयास किया और इसमें आगे भी हम तत्पर रहेंगे।